कॉटन कैंडी, तुम्हारे डॉल के कपड़े प्यारे हैं। हाँ, मैंने बनाया। वाह, कितने सुंदर हैं। ये बहुत आसान है, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। कॉटन कैंडी, क्या करूं? अब मैं क्या करूं? कॉटन कैंडी, मेरे गर्मी लग रही है, क्या करूं? सर दर्द कर रहा है, मुझे घर जाना होगा। मुझे आराम करना है, तुम लोग खेलो, मैं जा रही हूँ। हाँ, बाय बाय। बेटा उठो, चॉकलेट। चलो उठो, उठ के अपना होमवर्क करो। पेपर प्लेन और डॉल के कपड़े। ओह, ये लड़की भी ना। अरे रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं बिजी हूँ, बाद में मदद करूंगी। पर हमने तय किया था ना कि हम मीठा बनाएंगे दादा और दादी के लिए। हाँ, वो तो है। मैंने पहले ही सामग्री तैयार कर ली है। मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब देर नहीं करते हैं, हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मम्मी। ठीक है, पहले से खत्म करते हैं, फिर तुम अपने पेपर प्लेन और डॉल के कपड़े बना सकती हो। मुझे एक और अंडा दो। बेटा बात क्या है? मुझसे ये गलती से हुआ। क्या हुआ मम्मी? ये देखो, मुझे अंडा चाहिए था, तुमने मुझे मक्खन दिया। मैं सुन नहीं पाई। ध्यान दो, हमें इसे जल्दी बनाना है ताकि तुम्हें डॉल के कपड़े बनाने के लिए और टाइम मिल सके। ठीक है? आप मुझसे और क्या काम करवाना चाहती हैं? मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज धो के दोगी? ठीक है, धोती हूँ। हो गया। ठीक है, अब तुम जाओ और जाके अपना काम करो, और तुम अपने काम पे भी फोकस करना। अब तुम जा सकती हो। कैंडी बेटा, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है? मैंने बहुत सारा काम किया, अब मुझे आराम करना है। अब मैं पेपर प्लेन बनाती हूँ। तुम्हारे पास बहुत समय है बनाने के लिए। अब मैं क्या करूं? बहुत सारा काम है और मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ तो करना होगा। पहले खेलती हूँ। मम्मी आपने? इस वक्त तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, मैं तुम पे नजर रखूंगी। सिर्फ आधे घंटे में बनाया है। हाँ, आधा घंटा ज्यादा है। हाँ, अच्छा लगता है ना जब आप पूरा काम खत्म करके खेलो। इससे ज्यादा टाइम नहीं लिया। अब से मैं हर काम पूरा करने के बाद ही खेलूंगी। मम्मी मैं अभी आई। Thank you.
सॉकर गर्ल्स। खेल सकती। कौन कहता है? चलो एक मैच हो जाए। हम दोनों तुम्हें हरा कर रहेंगे। हाँ? अगर तुम हार गए तो रोना मत। वादा किया था तुम रोगी नहीं। पॉपकॉर्न फुटबॉल में इतना मुश्किल क्या है? मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है ये मुश्किल नहीं है। मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी है। ये बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पॉपकॉर्न मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अच्छा हुआ ये गिरा नहीं। हमने अपने गोल बचाया। कैंडी बेटा तुम घर में फुटबॉल क्यों खेल रही हो? ये खतरनाक है। पॉपकॉर्न चलो बाहर चलकर खेलते हैं। मुझे बॉल पास करो। कॉटन कैंडी तुम बहुत शरारती हो। देखो तुमने घर की खिड़की तोड़ दी। अब तुम्हें खाने के लिए कोई पुडिंग नहीं मिलेगी, समझी तुम? गलती हो गई। मम्मी बहुत मतलबी है। मुझे फुटबॉल से नफरत है। सुनो बेटा, एक फैमिली टूर्नामेंट है, क्या हम इसमें पार्टिसिपेट करें? वो कह रही है फुटबॉल से नफरत है। उसने तो बताया कि वो फुटबॉल से प्यार करती है और वो चाहती है कि मैं उसे एक बॉल ला के दूं। क्या हुआ? पता नहीं मुझे। कॉटन कैंडी, मेरी बच्ची क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? कैंडी क्या तुम हमेशा से कार्निवल नहीं जाना चाहती थी? ये देखो, अगर हम इस प्रतियोगिता को जीत गए तो हमें जाने के लिए टिकट मिलेंगे। मुझे ये गेम पसंद है। मैं इसे कभी नहीं खेलूंगी। लेकिन क्यों? फीमेल फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं और वो भी काफी अच्छी हैं। ये सिर्फ लड़कों का गेम नहीं है। बिग हेड सिर्फ तुमसे एक मजाक कर रहा था, समझ रही हो कॉटन कैंडी? और तुम्हारी मम्मी सिर्फ ये चाहती थी कि तुम घर का कोई सामान मत तोड़ो। मैं बिग हेड या मिंग जितना अच्छा नहीं खेलती हूँ डैडी। मम्मी मुझे फुटबॉल खेलने नहीं देती, मुझे पुडिंग भी खाने नहीं देगी। मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी। ये सब मेरी गलती है, ये मेरी वजह से हुआ है। तो चलो उसका इंटरेस्ट फिर से जगाते हैं। आइडिया मिल गया, आ जाओ। आंटी पास करिए। वाह, आंटी अच्छा खेल रही है। बेटा मैं जानती हूँ तुम शरारत नहीं कर रही थी। चलो नीचे आके खेलो। कैंडी अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे खेलना सिखाया। कॉटन कैंडी नीचे और खेलो, तभी हम रीमैच कर सकते हैं। मैं जरूर जीतूंगी। डैडी मुझे भी सिखाइए। नीचे आओ। हाँ।